अप द डे, आज का विचार क्या है? निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। आस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सब के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 10 नवंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किसने जीता है? तो ये कौन है, ये है मारिया भाटिया, नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में अभी बहुत सारे वेल्स जो मछलियां होती है ना वो मारी गई, तो इसलिए भी पॉइंट याद रखिएगा। और सनद ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है आपके, तो वो आपके पूर्वी भाग में है ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमेजन इंडिया में किस शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्वे सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो कहाँ पे किया है आपका, ये किया है बेंगलुरु में, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड का चुना गया है? तो कौन से भारतीय हैं इसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो वो है आपके दिलीप धर, याद रखिएगा दिलीप धर का नाम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किस राज्य में 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? कितने मेगावाट का है याद रखिएगा, ये 24 मेगावाट का है और क्या है ये वाटर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कहाँ पे, उड़ीसा में। और क्या पॉइंट है, मैं हमने आपको अक्सर बताया है कि अभी कल CDS का पेपर हुआ और CDS के पेपर में मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि आपने जो रिवीजन कराया था उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने ये बताया था आपको कि उड़ीसा में क्या मिलते हैं, खोजे गए थे येल्लो नाम का टर्टल खोजा गया था, ये मैंने आपको मैंने कई बार रिवीजन कराते समय ये बात बताया था, ठीक है। और यही इसका आंसर है, ये आपके CDS में क्वेश्चन आया था। अगर कंट्री के हिसाब से पूछेगा, जैसे इंडिया का नाम ना दे, तो वो क्या होगा आपका, दूसरा नेपाल होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसी तरीके से येल्लो रंग का टाइगर भी देखा गया था, कहाँ पे, आसाम में, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पर है? तो जो फॉरेन मनी जो होती है वो, उसके में भारत का स्थान क्या है, पांचवा, और कौन टॉप किया है इसमें, जापान किया है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर हम नजर डालें, ये है वित्तीय वर्ष 2021 की पहली छमाही में, ठीक है, पहली 6 मंथ में किसने सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षण किया? तो कौन जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो कौन सा ऐसा राज्य बना है, तो तमिलनाडु बना है, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में और क्या हम जानते हैं कि तमिलनाडु अभी गुजरात को पीछे छोड़कर किस में टॉप पर आया है आपका, जो फिशरी होती है, फिशिंग, तो उसमें ये टॉप पर है। और क्या क्या हमें पता है कि जो RBI होती है हमारी, RBI के द्वारा जो लोन दिया जाता है वो भी सबसे ज़्यादा कर्ज कहाँ पे दिया गया, तमिलनाडु में दिया गया। और आपका जो मुद्रा स्कीम थी उसके अंदर भी कौन लोन दिया, वो भी कौन दिया आपका, तमिलनाडु दिया, ये पॉइंट याद रखिएगा तमिलनाडु से। नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डाले, वो क्या है, ये है आपका मिरर सिद्धांत यानी मिरर प्रिंसिपल किससे संबंधित है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये चाइल्ड ऑर्डर मामले से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के एक अभिभावक को विदेश में रहने पर, ऐसा क्या होगा, विदेश में रहने पर होता है, किसका, किस सिद्धांत को फॉलो किया जाता है, तो मिरर सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो ये टर्म न्यूज़ में रहा तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कौन सा संस्करण आयोजन किया गया, किसका, सार्क फाइनेंस गवर्नमेंट ग्रुप का, यानी सार्क की जो
फाइनेंस यानी वित्तीय गवर्नर है उनका आयोजन किया गया। तो ये 40 नंबर का था। अगर इंडिया के रूप में कौन गए थे, तो इंडिया के रूप में ये शक्तिकांत दास इसके अध्यक्ष बने, और ये इन्होंने वर्चुअली क्योंकि हुआ तो इन्होंने अध्यक्षता भारत की तरफ से किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नया नाम रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, ये नाम बदल दिया गया। तो वो कौन नाम की घोषणा की, तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने इसकी घोषणा की। अगर पूछा जाए आपके इसके मिनिस्टर कौन है, ठीक है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट यानी जो पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, इनके हेड कौन है, ये किसके पास है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए, ये आपका मनसुख मांडविया जी हैं, ठीक है, मनसुख मांडविया जी के पास है। और अभी हमने देखा था गुजरात में क्या किया था, एक रोपवे फेरी की सेवा जो सेवा है सर्विस है उसको शुरू की गई थी भावनगर से कहाँ के लिए, सूरत के लिए, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है एम्स सी रिसर्च इनोवेशन प्रोग्राम 03 क्या है, तो ये नीति आयोग और रशियन सिरिस के द्वारा शुरू किया गया है। हो सके आपके एग्ज़ाम में ये टर्म सिर्फ दे सिरिस है क्या, तो आपको पता होना चाहिए सिरिस का फुल फॉर्म ही ये है, साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक ट्रेजरी ट्रांसलेशन स्टेशन, ठीक है ये। और ये अभी वर्चुअली मीटिंग हुई थी इंडिया रशियन स्कूल चिल्ड्रन के लिए, एक वर्चुअल मीटिंग हो गई थी। तो हो सकता है आप ये पूछे कि भारत ने किस देश के साथ स्कूल चिल्ड्रन वर्चुअल मीटिंग आयोजित की, तो उत्तर होगा आपका क्या, रशिया। और रशिया से अगर हमको प्याद याद रखना है कि S-400 जो है हम कहाँ से ले रहे हैं, वो आपके रशिया से लगते हैं। T-19 क्या है, तो ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। और रशिया में अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे SEO की भी मीटिंग हुई थी, और यहाँ पे एक काजा जो था एक्सरसाइज हुआ था, जिसमें कि भारत ने अपना नाम बाहर ले लिया था। यहाँ ये भी जो एक्सरसाइज है वो कहाँ हुई थी, वो भी आपकी रसिया में हुई थी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किस राज्य में भारत का पहला सौर बेस जल आपूर्ति यानी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तो वो ऐसा करने वाला राज्य कौन बन गया है, अरुणाचल प्रदेश बन गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पे अभी ग्रीन फील्ड आपका एक क्या शुरू किया गया, एयरपोर्ट की भी शुरुआत की गई है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा इससे अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है, ये है आपका किस राज्य में परिवार थमन, ठीक है, परिवार थमन नाम की योजना शुरू की गई है, तो परिवार थमन नाम की योजना कौन शुरू कर रहा है, केरल राज्य शुरू कर रहा है। ये क्या प्रोवाइड कराएगा, तो ये प्रोवाइड कराएगा लाइवलीहुड ऑफ फिशिंग कम्युनिटी, जितने भी मछुआरे होते हैं ना उनके लिए ये कैसे जिंदा रहे, वो ये प्रोग्राम है, उसका नाम क्या है आपका परिवार थनम। और अगर केरल से पूछा जाए क्या इम्पोर्टेंट है, तो मैं बता कि आपको थक गए अब तक, आपको याद हो गए होंगे, चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए आप, ये हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर है, एजुकेशन इंडेक्स में टॉप पर है, लिटरेसी इंडेक्स में टॉप पर है, SDG इंडेक्स में टॉप पर है, 100% स्कूल में क्या किया है, स्कूल को डिजिटली कराया है, वो भी कौन से स्कूल को, पब्लिक स्कूल्स को। और साथ ही साथ ये ऐसा पहला राज्य बना जिसने कि क्या किया है, जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके दाम जो है वो क्या किया है, फिक्स करने वाला राज्य बना है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कोई आप पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस शॉर्ट फिल्म को सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 से सम्मानित किया गया, तो वो कौन है आपकी नटखट
नाम की एक शॉर्ट मूवी थी जिसमें कि विद्या बालन है, उसको एक सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है 2020, और ये एलिजिबल हो गई है, मतलब ये नॉमिनेट कर दी गई है किसके लिए, ऑस्कर के लिए, जो कि 2021 में दिया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो बेडोडो, ये तो नाम सुन ही लिए होंगे आप न्यूज़ में, जो बेडोडो 46 नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट उनको भी इलेक्ट किया गया, उसका नाम क्या है, कमला हारिस, ठीक है। ये पहली फीमेल है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, पहली फीमेल है, और ये इंडियन है, ठीक है, मतलब ये श्वेत इंडियन है, यानी इनकी मम्मी इंडियन थी और ये पूरी तरीके से बाकी इनकी फैमिली जो है वो आपके अमेरिका में रही। और क्या अगर पॉइंट हमें पता होना चाहिए, जैसे अगर इंडिया के प्रेसिडेंट और अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, तो इंडिया वालों का 5 होता है और अमेरिका वालों का 4 होता है। और अगर इनका टर्म पूछा जाए, तो जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं वो अनलिमिटेड दम मरते दम तक क्या बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका की बात होगी तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे मात्र 2 बार बन सकते हैं, ठीक है। जैसे बराक ओबामा को हमने देखा था, ये 2 बार कंटिन्यू बने थे, ठीक है। जैसे अभी हमारे ट्रंप जीत थे, वो एक बार बन चुके हैं, अभी हार गए, वापस से अगर लड़ना चाहें तो वापस से लड़के जीत के बन सकते हैं, तो इन पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश ने ट्रांसजेंडर मुस्लिम के लिए, ठीक है, कौन से ट्रांसजेंडर मुस्लिम के लिए अपना पहला इस्लामिक स्कूल खोला, यानी मदरसा खोला है, ऐसा करने वाला कौन हो गया है, तो बांग्लादेश हो गया है। बांग्लादेश, हमें याद रखना है कि बांग्लादेश पहला ऐसा देश बना जिसने कि क्या क्या था, जो फ्री इंटरनेट मीडिया होती है ना, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया था, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा आप इससे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा पक्के टाइगर रिजर्व। फिर आपका और भी कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, उन्हें भी याद रखिएगा। ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे अवार्ड देने की बात की गई, मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात की गई है, कि COVID-19 की वजह से यहाँ के जो ग्रीन सोल्जर किसे कहा गया, जो फॉरेस्ट गार्ड थे, फॉरेस्ट गार्ड, उन्हें ही ग्रीन सोल्जर कहा गया, तो इनके लिए एक स्कीम निकाली गई है जिसमें कि उन्हें इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। तो वो कहाँ के हैं, तो वो पक्के टाइगर रिजर्व के हैं, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यहाँ पे 2 नदियाँ बहती हैं, एक का नाम है पक्के और एक का नाम है क्या, कमायने, ठीक। और हमें क्या पॉइंट याद रखनी है, अगर बाहर ये अरुणाचल प्रदेश और इसकी जो सीमा है वो किस नाम से जानी जाती है, तो मैकमोहन लाइन बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है अरुणाचल और इसके बीच में चाइना के बीच में, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपकी, रूपसी एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है, आसाम में है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी स्टार्ट कर दी जाएगी 2021 में, और अगर आसाम से पूछा जाए वो क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, यहीं पे आपकी एक रेडियो स्कीम शुरू की, तो उसका नाम तो क्या था, प्रज्ञा, ये याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आसाम से, तो आसाम में अभी कई सारी स्कीम शुरू की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उस पॉइंट को याद रखिएगा। और यहाँ पे मानस टाइगर रिजर्व है, और यहीं पे एक कामाख्या मंदिर पाई जाती है जिसमें कि रोप वे की भी शुरुआत की गई थी, इस पॉइंट को भी पता होना चाहिए आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।